हाथों में खून दौड़ता है ना, शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून देश के लिए पीछे हटेगा नहीं है, करते रहेंगे ना खड़े। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया, मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। क्योंकि जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उसको केस को जिंदा कर दिया। ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद में कदम क्या होगा। मैम आपका, मैंने कहा अगला कदम क्या होगा, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून इस देश के लिए ये पीछे हटेगा नहीं है, लड़ते रहेंगे ना खड़े होंगे, कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को। तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे मोदी एक सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा। और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी, बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला, और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। मैं गृहमंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृहमंत्री के शब्द हैं, और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में, 9 दिन बाद
9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। देखिए ये अजीब है, हमारे कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है ये। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाई कोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद, 16 फरवरी को। 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को यानी कि राहुल गांधी जी के भाषण के 20 दिन बाद सुनवाई शुरू होती है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। क्रोनोलॉजी समझिए, बाप रे, ये तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा गति से चला है। प्रधानमंत्री बार बार श्रेय लेते हैं गति शक्ति के लिए, ये तो अति गति शक्ति है, गति शक्ति नहीं, अति गति शक्ति। 7 फरवरी को भाषण, 9 दिन बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति अपने स्टे वापस लेते हैं, 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है, 17 मार्च को रिजर्व किया जाता है निर्णय और 23 मार्च को कन्विक्शन का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय। सब डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय तो आज आया है, पर कन्विक्शन का निर्णय कल यानी कि 23 मार्च को आया।